एसपीएनआई न्यूज़, स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश पहुंची और मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद जिस तरह से तूफानी उन्होंने मचा रखा है, इससे भाजपा को डर है। लेकिन इस बीच खबर सामने आई कि गुलाम नबी आजाद ने एक और जहां इस यात्रा में शामिल होने की बात कही है, तो खबर यह है कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिंधिया के भी वापसी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यानी कि गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दो बड़े नेताओं की कांग्रेस पार्टी में वापसी अगर होती है तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। देखिए, इन सब के बीच अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी ने जिस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, भाजपा के कई नेताओं ने मजाक उड़ाया था, भाजपा के कई प्रवक्ताओं ने मजाक उड़ाया था, लेकिन सिंधिया ने मजाक नहीं उड़ाया, गुलाम नबी आजाद ने मजाक नहीं उड़ाया। सिंधिया और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने यहां पर राहुल गांधी की तारीफ की, इनके भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, और बहुत बड़े हद तक जो तारीफ की गई है उससे एक बात तो ये समझ में आती है कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो जो यात्रा है, इसका प्रभाव आने वाले वक्त में जरूर पड़ रहा है। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आने वाले वक्त में जो प्रभाव पड़ रहा है, इसका ये मायने निकाला जाए कि बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, बहुत बड़े चेंजेस होते नजर आ रहा है। अभी की जो तस्वीर है वो ये है कि गुलाम नबी आजाद और सिंधिया की एक मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद मध्य प्रदेश ही नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी में एक नया जो है एक सियासी सफर देखने को मिल सकता है। तो राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे थे पुराने दोस्तों को, मित्रों को अपने साथ मिलाने का, शायद वो चीज आज पूरा हो रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।